नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। 10 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवरात व कैश की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के बोकारो जिले के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के सेक्टर 6A के ब्लॉक आवास संख्या 2058 व 2060 के दो बंद आवासों का ताला तोड़कर चोरों ने शनिवार की रात 2:30 बजे चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर दोनों आवास से लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित नगद लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी आवास संख्या 2060 की आदिति को रविवार की सुबह सपरिवार घर लौटने के बाद हुई। इसके बाद पता चला कि आवास संख्या 2058 का भी ताला टूटा हुआ है। गृह स्वामी श्वेता BCCL के हॉट स्ट्रिप मिल में सीनियर मैनेजर पद पर कार्यरत हैं। शादी में हजारीबाग गए थे। सेक्टर 6 इंस्पेक्टर अनिल कच्छप दलबल के साथ पहुंचे और आवासों का मुआयना किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संजय पाहन हत्याकांड का रांची पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी समेत 8 अरेस्ट। रांची के संजय पाहन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतक की पत्नी सालो देवी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। SV चंदन कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को जानकारी दी कि अवैध संबंध से नाराज होकर पत्नी समेत परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रांची सदर थाना क्षेत्र के डुमरदगा बूटी बस्ती निवासी संजय पाहन की हत्या पीठ में गोली मारकर की गई थी। इस मामले में झारखंड BJP अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने CBI जांच की मांग की थी। JSSC CGL 2023 की परीक्षा से पहले 85,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन रिजेक्ट, जाने क्या है कारण। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने JSSC CGL 2023 परीक्षा से संबंधित एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार आयोग ने 85,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है। आयोग ने अलग अलग आधार पर इनके आवेदन को अस्वीकार किया है। इनमें 58,087 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था। 1,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें इस बार परीक्षा शुल्क नहीं देना था लेकिन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करनी थी, जो उन्होंने नहीं किया। 24,683 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया और परीक्षा शुल्क भी दिया लेकिन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया। 1,136 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके एक से अधिक आवेदन मिले हैं। 94 अभ्यर्थियों ने क्षेत्र जनजाति भाषा का चयन नहीं किया, जबकि 33 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन के आरक्षण कोटे में सुधार के बाद फीस की बाकी राशि जमा नहीं की। इन सभी के आवेदनों को आयोग ने रद्द कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, मोदी की गारंटी पर जनता को है भरोसा, विकसित भारत का सपना करेंगे साकार। झारखंड के खरसावां के बीटापुर व चिल्कू पंचायत सचिवालय में रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक जिस विकसित भारत की परिकल्पना की है उसे साकार करने में हम सभी देशवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंचाना है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। बंडीपुरिंग जलप्रपात में डूबने से कोचिंग संचालक की मौत, 2 छात्र बाल बाल बचे। झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा स्थित बंडीपुरिंग जलप्रपात में डूबने से रांची के कोचिंग संचालक संतोष कुमार महतो की मौत हो गई। वो रातू रोड में अध्ययन केंद्र नामक कोचिंग सेंटर के निदेशक थे। वो टोरी चंदवा के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार अध्ययन केंद्र रांची से 40 लोग पिकनिक मनाने बंडीपुरिंग जलप्रपात पहुंचे थे। झारखंड के बच्चों के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध, जानने वालों से ज्यादा खतरा, आंकड़े कर देंगे हरा। झारखंड में बच्चों के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने वर्ष 2022 की जारी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2020 व 21 की तुलना में झारखंड में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं। वर्ष 2020 में 1795, 2021 में 1867 और 2022 में 1917 केस दर्ज किए गए हैं। NCRB के मुताबिक 2022 में 1917 केस में 1984 पीड़ित बच्चे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के अपहरण में कुल 650 मामले सामने आए हैं। बच्चों के खरीद फरोख्त के भी 321 मामले सामने आए हैं। वहीं बच्चों की तस्करी के 114 और रेप के 184 मामले राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं। वहीं पॉक्सो एक्ट के कुल 884 केस दर्ज हुए हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान खुद अपने जानने वालों ने पहुंचाया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया उद्घाटन, नर्स सेवा को बताया नारायण सेवा। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार ने डॉक्टर अजीत कुमार की माता की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर उनके धुरवा स्थित आवास पर आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से क्षेत्र में रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। नर्स सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसे आयोजनों की वे प्रशंसा करते हैं। इस फ्री मेडिकल कैंप में 496 मरीजों ने परामर्श लिया और इलाज कराया। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को फिर डॉक्टर अजीत कुमार के धुरवा स्थित आवास पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
कांग्रेस नेता के घर जन्मे विजय हंसदा राजभल से झामुमो के सांसद बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर आदिवासियों के लिए आरक्षित राजभल संसदीय सीट से विजय हंसदा लगातार दो बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इनका माता पिता दोनों कांग्रेस के नेता रहे। पिता झारखंड के पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, माँ अभी भी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय है। लेकिन विजय हंसदा पिछले करीब 10 सालों से झामुमो की राजनीति कर रहे हैं और मोदी लहर में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पराजित किया है। उनके पिता का नाम थॉमस हंसदा और माता का नाम शांति सरोजनी मुर्मू है। झारखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे थॉमस हंसदा अब इस दुनिया में नहीं है। विजय हंसदा की मां शांति सरोजनी मुर्मू आज भी कांग्रेस से जुड़ी हैं। विजय के पिता थॉमस हंसदा संताल प्रगना ही नहीं बल्कि झारखंड के बड़े नेताओं में एक थे। युवा सांसद विजय हंसदा वर्ष 2019 से सांसद के कई कमेटियों के सदस्य भी रहे। झारखंड में लगातार गिर रहा है पारा, जाने आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। रांची से सटे कांके का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान भी 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सबसे कम तापमान चाईबासा का रिकॉर्ड किया गया है, वहां का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान भी 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। देवघर में सुदूर क्षेत्रों के लोगों के लिए संजीवनी बनी टेलीमेडिसिन सेवा। देवघर जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा सुदूर क्षेत्र के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक साबित हो रही है। अप्रैल से नवंबर तक 7 महीने में 16,935 लोगों को ई संजीवनी के टेलीमेडिसिन के तहत स्वास्थ्य परामर्श दिया गया है। जिले में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से लोगों को अपने घर के समीप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही सेंटरों पर मरीजों को इलाज के बाद दवा भी दिया जा रहा है। जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी, रांची के 81,216 छात्र होंगे शामिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक व इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में होगी। जैक बोर्ड की स्वीकृति के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में शनिवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अब ओएमआर सीट पर परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा केवल उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। परीक्षा में 30% प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, 50% प्रश्न लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय व शेष 20% का आंतरिक मूल्यांकन होगा। अब मैट्रिक की परीक्षा 9:45 से 1 बजे तक होगी और इंटर की परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक होगी। इसमें परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाने वाले 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी शामिल है। पाकुड़ के जामकुंदर में एक हफ्ते में 4 बच्चों समेत 5 की मौत, जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। पाकुड़ जिले के लिटीपाड़ा प्रखंड के जामकुंदर गाँव में अज्ञात बीमारी से एक हफ्ते में 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक सप्ताह में रामेश्वर किस्कू, छीता टुडू, रेशम मुर्मू, सुलेमान पहाड़िया और दुल्हन हंसदा की मौत हुई है। ग्राम प्रधान प्रधान मुर्मू ने बताया कि गांव में 5 लोगों की मौत हो गई। मृत बालक रामेश्वर की मां नानामाई टुडू ने बताया कि सूरज बेड़ा से इलाज कराकर बेटे को घर लाई, अचानक उसे तेज बुखार आया और थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो गई। रेशमा मुर्मू की मौत पश्चिम बंगाल के प्राइवेट अस्पताल डीटीएच में इलाज के क्रम में हो गई। उसकी मौत की वजह मलेरिया बताई गई। जिला प्रशासन को उसकी सूचना मिली है, इसके बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम शनिवार को पहुंची। सिविल सर्जन मंटू टेकरीवाल भी गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसी की मौत मलेरिया से हुई है, इसकी जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि प्रखंड के 148 गांव में सर्वे किया जा रहा है, इनमें से 700 मलेरिया के मामले आए थे।